तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फ्रैंक और वो एक मैनियक होता है। मैनियक का मतलब होता है पागल, यानी जिस पर प्रोफेशन का क्रेज हो या फिर उसका मेंटल बैलेंस खराब हो। फ्रैंक को एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब से घर वापस जा रही होती है। उस लड़की के सारे फ्रेंड्स अपने अपने घर चले जाते हैं लेकिन वो बिल्कुल अकेली रह जाती है और वो अकेले ही अपने घर की तरफ चल पड़ती है। फ्रैंक, जिसने काफी देर से उस लड़की पर नजर रखी हुई थी और वो घर तक उस लड़की का पीछा करता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की अपने फ्लैट तक पहुंच जाती है लेकिन फ्रैंक उसके फ्लैट की इलेक्ट्रिसिटी वायर्स कट कर देता है जिससे वहां पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फिर फ्रैंक उस लड़की के पास आता है क्योंकि उस लड़की में फ्रैंक को अपनी विक्टिम जो नजर आ रही थी। वो उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बोलता है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन वो लड़की उससे इम्प्रेस तो नहीं होती बल्कि डर जाती है और चिल्लाने लगती है। फ्रैंक उस लड़की का मुंह बंद करवाने के लिए उस पर अपने नाइफ से स्टैब करता है जिससे उस लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। उस लड़की को मारने के बाद फ्रैंक उसके सर की स्किन ही उतार लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर अगले दिन हमें फ्रैंक का घर दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बहुत सारी डमीज देखने को मिलती हैं, क्योंकि फ्रैंक को डमीज को रिस्टोर करने यानी चेंज करने का बड़ा शौक था, यानी उन डमीज को बिल्कुल इंसानों जैसा बनाने का, उन्हें इंसानों जैसा लुक देने का। उसने बहुत सारे डमीज को रिस्टोर करके एक शॉप भी बनाई हुई थी। वो हर उस लड़की को मार डालता था जो उसे पसंद आती थी। बाद में वो अपने विक्टिम्स के सर की स्किन निकाल लेता था ताकि वो उन स्कैल्प्स को अपने डमीज पर लगा सके और उन्हें प्यारा बना सके। वो डमीज कहीं से भी फेक नहीं लगती थी, बिल्कुल रियल लड़की लगती थी। फ्रैंक एक वेबसाइट को ज्वाइन कर लेता है जहाँ पर वो एक लड़की से बातचीत करता है। उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है और वो फिर मिलने का प्लान बनाते हैं। रात को वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। उस लड़की को फ्रैंक काफी अच्छा लगा था और वो उसे लाइक करने लगी थी। वो लड़की फ्रैंक से पूछती है कि क्या तुम मैरिड हो, जिस पर फ्रैंक कहता है कि जी नहीं, ना तो मैं मैरिड हूँ और ना ही मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है। फ्रैंक का दिल चाहता है कि वो उस लड़की को भी मार डाले और इसीलिए उसे विजन आने लगते हैं। वो देखता है कि उस लड़की के सर से खून बह रहा है उसी जगह से जहाँ से वो अपने विक्टिम्स की स्किन उतार है। आसपास वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो उसे घूर भी रहे हैं। तभी उसे बहुत ज्यादा हेडेक होने लगता है। वो फौरन वहाँ से भागता है और अपनी मेडिसिन लेता है। मेडिसिन लेकर वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि फ्रैंक को असल में माइग्रेन था जिसकी वजह से उसे हेडेक होता था और शायद इसी वजह से उसका मेंटल बैलेंस भी खराब था। फिर वो लड़की फ्रैंक को अपने घर ले आती है लेकिन तभी फ्रैंक के अंदर का जानवर जाग जाता है और वो उस लड़की का गला घोटकर उसे मार डालता है। वो उस लड़की की भी सर की स्किन काट लेता है और उसकी स्किन को वो अपने साथ ले जाता है डमी पर लगाने के लिए। घर पहुंचकर वो उस लड़की का स्कैल्प एक डमी पर लगा देता है। वो समझ रहा था कि शायद उसकी वो फ्रेंड वो लड़की अभी भी जिंदा है। पागलपन में वो उस लड़की को अपनी बाकी विक्टिम से मिलवाता है। फ्रैंक ये नहीं समझता था कि वो मर चुके हैं बल्कि वो उन्हें जिंदा ही समझता था। मर्डर्स करने के बाद वो खुद को मिरर में देखता था और मिरर तोड़ देता था क्योंकि वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था मगर फिर भी कर देता था। और वो जो कुछ भी करता है यानी ये मर्डर्स करता है उसे इस बात का खुद पर पछतावा भी था और खुद पर गुस्सा भी था। फिर वो अपने बचपन की एक बात याद करता है कि जब वो कितने प्यार से अपनी मदर के बाल बनाया करता था। दोनों माँ बेटा एक दूसरे को काफी प्यार करते थे, एक दूसरे से काफी अटैच थे। नेक्स्ट डे फ्रैंक देखता है कि कोई लड़की उसकी शॉप के बाहर उसकी बनाई हुई डमीज की पिक्चर्स बना रही है। फ्रैंक शॉप से बाहर आकर उस लड़की से बातें करने लगता है। वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम ऐना है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। वो कहती है कि मैं अपने शो के लिए आपकी डमीज की पिक्चर्स बना रही हूँ क्योंकि वो डमीज उसे काफी पसंद आई है। ये सुनकर फ्रैंक उसे बाकी डमीज दिखाने के लिए अंदर बुला लेता है। वो ऐना को बताता है कि मुझे डमीज को रिस्टोर करना यानी उन्हें चेंज करना काफी पसंद है, ये मेरा पैशन है। इवन इसके साथ साथ ये हमारा फैमिली बिजनेस भी है। वो कहता है कि मेरी माँ मर चुकी है और उनके बाद मैं ही ये बिजनेस संभाल रहा हूँ। ऐना उसके काम से काफी इम्प्रेस होती है इसीलिए वो उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर देती है ताकि वो दोनों मिलकर काम कर सके। ऐना जब चली जाती है तो फ्रैंक उसके बारे में सोचता है क्योंकि ऐना उसे काफी अच्छी लगी थी और वो उसे लाइक करने लग गया था। फिर फ्रैंक अपने नेक्स्ट विक्टिम के लिए चला जाता है। बाहर आकर वो बहुत सारी लड़कियों को देखता है अपनी प्यारी सी डमी बनाने के लिए मगर उसे कोई भी पसंद नहीं आती, उसे कोई भी लड़की सुटेबल नहीं लगती। लेकिन उसे एक लड़की पसंद आ जाती है जो कि डांसर थी और काफी खूबसूरत भी थी। जब वो लड़की घर के लिए जा रही होती है तब भी फ्रैंक उसका पीछा करता है। उस लड़की को रियलाइज होता है कि ये लड़का मेरा पीछा कर रहा है, इसी वजह से वो ट्रेन से उतर जाती है। लेकिन फ्रैंक पर तो उस लड़की को मारने का जुनून सवार था इसीलिए वो भी ट्रेन से उतर जाता है। भागकर वो लड़की पार्किंग एरिया में जाती है और फ्रैंक उसका गेट ही लॉक कर देता है। वो लड़की वहाँ पर फंस चुकी थी और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी। तभी फ्रैंक उस लड़की पर अटैक कर देता है और अपनी नाइफ से उस पर बार बार स्टैब कर देता है और वो मर जाती है। फिर वो उस लड़की की भी स्किन काट लेता है अपने डमी पर लगाने के लिए। फिर ऐना फ्रैंक के स्टोर में आती
होती है जहाँ पर वो काम कर रहा होता है और एना उसे काम करता हुआ देखती है। फिर वो दोनों आउटिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ पर फ्रैंक एना को गौर से देख रहा होता है क्योंकि उनकी चॉइसेस काफी मैच होती थी। तभी फ्रैंक को माइग्रेन अटैक हो जाता है और ये देखकर एना परेशान हो जाती है। फ्रैंक उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ से भागकर वो सीधा डॉक्टर के पास आ जाता है। डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक अपनी डमीज के साथ होता है, साथ साथ वो टीवी पर चल रही न्यूज भी देख रहा था कि सिटी में लड़कियों की मर्डर की तादाद बढ़ती ही जा रही है। वो अपने बचपन की एक बात याद करता है कि उसके फादर की डेथ के बाद उसकी मदर अयाशी में पड़ गई थी। उसकी मदर जानती थी कि मेरा बेटा ये सब कुछ देख रहा है लेकिन फिर भी उसने इस बात की परवाह नहीं की। इसी वजह से वो अपनी मदर का बदला लेने के लिए सारे लड़कियों को मारा करता था। इस बात को याद करके फ्रैंक काफी अपसेट हो जाता है, इसीलिए उसका दिल करता है कि वो एना के पास जाए, उसे देखे, उससे मिले। वो गाड़ी में बैठकर एना के शॉप के बाहर जाता है उसे देखने के लिए। एना उसे कॉल करके कहती है कि कल हम मूवी देखने जाएंगे बिकॉज मैं कल फ्री हूँ। फिर वो दोनों मिलकर सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं। वहाँ पर भी फ्रैंक एना को गौर से देखने लगता है और एना उसे कहती है कि वो फिल्म पर गौर करे। तब भी फ्रैंक को अपने मर्डर्स के विजन आने लगते हैं और उसे काफी अजीब फील होता है। बाहर आकर वो एना से पूछता है कि क्या तुमने मूवी एंजॉय की। एना कहती है कि मूवी की स्टोरी काफी अच्छी थी। तभी एना को किसी की कॉल आ जाती है और फ्रैंक उसे पूछता है कि किसकी कॉल है, जिस पर एना कहती है कि मेरे फियांसे की कॉल है और वो मुझसे मिलने आ रहा है। फियांसे का नाम सुनकर फ्रैंक को काफी बुरा फील होता है। एना फ्रैंक को अपने फियांसे से मिलवाना चाहती थी लेकिन वो इस बात से इनकार कर देता है। ये सुनकर एना वहाँ से चली जाती है और फ्रैंक काफी हर्ट होता है। अगले दिन फ्रैंक एना के शो में जाता है और उसे वहाँ पर देखकर एना बहुत खुश हो जाती है। वहीं पर फ्रैंक एना के फियांसे को भी देखता है जिसे देखकर वो काफी जेलस होता है और उसे काफी गुस्सा भी आता है। एना का फियांसे वॉशरूम में जाता है जहाँ पर फ्रैंक भी उसके पीछे पीछे जाता है। एना का फियांसे उसे देखकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एना की फ्रेंड हो और मुझे डाउट होता है कि तुम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो, इसीलिए वो फ्रैंक को बेइज्जत करके वहाँ से चला जाता है। फ्रैंक जब खुद को मिरर में देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। फिर फ्रैंक एना की कुलीग से मिलता है जो फ्रैंक को कहती है कि मुझे तुम्हारा वर्क काफी पसंद आया है, इवन मैं काफी इम्प्रेस भी हुई हूँ। फ्रैंक उस लेडी के फेस और बालों को घूर रहा होता है। उसे इस बात का रियलाइज होता है कि ये मेरी मदर है जो रूप बदल कर यहाँ पर आई है। फिर वो लेडी अपने घर के लिए निकलती है और फ्रैंक यहाँ भी उस लेडी के घर तक उसका पीछा करता है। उस लेडी को वहाँ पर जब किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है तो वो अपनी आंखों से पट्टी हटा देती है। उसे देखकर वो लेडी चिल्लाने लगती है। फ्रैंक उसके मुंह को पकड़कर पानी में डुबोने लगता है जिससे उस लेडी को सांस नहीं आता और वो बेहोश हो जाती है। उस लेडी को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और उसे फ्रैंक नहीं बांधा था। वो लेडी फ्रैंक से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, जिस पर फ्रैंक कहता है कि अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी माँ हो जो रूप बदल कर वहाँ पर आई थी और मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया लेकिन तुमने मुझे बदले में क्या दिया, तुम्हें सिर्फ अपनी अयाशी की पड़ी थी। ये कहकर फ्रैंक उसे नाइफ से स्टैब करके मार डालता है। एज यूजुअल उसके भी सर की स्किन निकाल लेता है डमी पर लगाने के लिए। फ्रैंक एना को कॉल करता है और उसे कहता है कि मेरी डमीज रिटर्न कर दो। एना उसे बताती है कि कल रात मेरी कुलीग का मर्डर हो गया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुझसे क्वेश्चंस कर रही है जिसकी वजह से वो बहुत डरी हुई है और बहुत परेशान भी है। ये सुनकर फ्रैंक कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे घर तुम्हें रिलैक्स करने के लिए। उस लेडी का स्कैल्प फ्रैंक ने एक डमी पर लगा दिया था और उसे कपड़े भी पहना दिए थे। फ्रैंक जब एना के घर जाता है तो वहाँ पर एक आदमी को देखता है। एना उसे बताती है कि ये मेरा नेबर है। तभी एना का नेबर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक एना से पूछता है कि तुम्हारा फियांसे कहाँ पर है। एना कहती है कि जब मेरे फियांसे को ये पता चला कि मैं मुश्किल में हूँ तो उसने मेरा साथ छोड़ दिया। एना कहती है कि कल रात मुझे मेरी कुलीग के साथ ही रहना चाहिए था, इससे शायद वो बच जाती। वो कहती है कि ये मेरी ही मिस्टेक है कि वो मर गई। फ्रैंक उसे कहता है कि तुम उसकी मौत का रिस्पॉन्सिबल खुद को मत समझो और वो उसे रिलैक्स करता है। फ्रैंक एना को कहता है कि इंसान की बॉडी में सिर्फ बाल ही हैं जो कभी भी नहीं मरते। ये सुनकर एना अपनी कुलीग को मिस करने लगती है और रोने लगती है। फ्रैंक उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है कि तुम्हारी कुलीग यहाँ से कुछ दूरी के फासले पर ही तो रहती है, तो फिर तुम्हारी कुलीग ने तुम्हें हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया। सिटी में और भी बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो क्या तुम उन सबके मर्डर्स का रिस्पॉन्सिबल खुद को कहोगी। ये सुनकर एना समझ जाती है कि फ्रैंक ने ही उसकी कोलीग का मर्डर किया है, तभी तो वो उसके घर का एड्रेस जानता है। तभी एना नाइफ पकड़ती है और उसे कहती है कि वो वहाँ से चला जाए। फ्रैंक एना को काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन एना कुछ भी नहीं समझती। वो फ्रैंक को नाइफ से स्टैब करके खुद वॉशरूम में छुप जाती है और अपने उसी नेबर को आवाज देती है। एना की आवाज सुनकर उसका नेबर वहाँ पर आ जाता है लेकिन फ्रैंक एक बुचर्स नाइफ से उस पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। फ्रैंक एना को कहता है कि वो जल्दी से बाहर आ जाए लेकिन एना बाहर
नजरें नहीं आती। तभी एना का नेबर उठकर फ्रैंक पर अटैक कर देता है और इस बार तो फ्रैंक उसे जान से ही मार डालता है। फिर फ्रैंक डोर को तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। वो एना को दबोच लेता है और उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो एना को घर ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में रखता है। एना को जब होश आती है तो वो एक डमी की हाथ से फ्रैंक पर स्टैप करती है और वहाँ से भागने लगती है। तब फ्रैंक जख्मी हालत में ही उसका पीछा करता है। एना एक गाड़ी को रोक लेती है और उससे हेल्प मांगती है और वो ड्राइवर एना को गाड़ी में बिठा लेता है। ड्राइवर जब फ्रैंक को खून में भरा हुआ देखता है तो उसे ठोक कर आगे बढ़ता है, लेकिन उनकी कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे ड्राइवर और एना दोनों ही इंजर्ड हो जाते हैं काफी। एना जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है और फ्रैंक एना के पास आ जाता है। वो एना को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। ये कहते ही फ्रैंक अपने रेजर से एना के सर की स्किन निकाल लेता है अपने डमी पर लगाने के लिए और घर ले जाकर उसे एक प्यारी सी डमी पर लगाता है, ताकि वो डमी एना के रूप में हमेशा उसके साथ रहे। एना की डमी को वो ब्राइडल ड्रेस पहनाता है और उसे एक रिंग भी पहनाता है, ये सोचकर कि अब उन दोनों की शादी हो चुकी है। तभी उसे हेलुसिनेशंस होती हैं कि उसकी सारी विक्टिम्स उसका मजाक बना रही हैं, उस पर हंस रही हैं। उसकी सारी विक्टिम्स फ्रैंक पर अटैक करके उसे भी डमी बना देती हैं और वो मर जाता है। यहाँ सच में फ्रैंक के जहन ने उसे डमी बना दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक टीम आती है और फ्रैंक को मरा हुआ पाती है। फ्रैंक के खात्मे के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू।